नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विवादास्पद आधार को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और आईटी क्षेत्र के दिग्गज एनआर नारायण मूर्ति के बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। चिदम्बरम ने जहां उदारवादी दृष्टिकोण के तहत इस पर चिंता जताई, वहीं नारायण मूर्ति ने आधार की वकालत करते हुए निजता के संरक्षण के लिए संसद द्वारा कानून बनाने की वकालत की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शशि अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय एयरटेल इन दिनों पेमेंट्स बैंक में बिना बताए ग्राहकों का खाता खोलने को लेकर विवादों में है। अरोड़ा के इस्तीफे के पीछे इसी विवाद का कारण माना जा रहा है। बीते वित्त वर्ष 2016-17 में धोखाधड़ी के कारण बैंकों को 16,789 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने एक सवाल के लिखित जवाब में शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया ने लागत को कम करने के लिए लगभग 400 एटीएम्स को बंद करने की योजना तैयार की है। बढ़ती गैर निष्पादित संपत्ति पर चिंता जताते हुए संसदीय समिति ने कहा है कि एसबीआई एक्ट समेत बैंकिंग कानूनों में संशोधन की जरूरत है ताकि बड़े बकायेदारों के नाम का खुलासा हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। जनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।